हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं ये दो कलर में एक पाउच बनाऊंगी, एक कॉस्मेटिक बॉक्स बनाऊंगी, ये फैब्रिक बॉक्स। देखिए ये बनाने में कितना इजी, और देखिए बनने के बाद ये कितना प्यारा ये रेडी हुआ है। बहुत इजी है बनाने में इसको, तो इसको सीखने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। बनाने के लिए इस तरह से क्विल्टेड पीस लेंगे, यह दो कलर का मैं ली हूँ। इसके नीचे मैं राइस बोरी लगाकर चारी ओर स्टिच कर ली हूँ। इसका मेजरमेंट जो है 13.5 है एक साइड से, और एक साइड से ये 11.5 है। और ये लाइनिंग के लिए कपड़ा है, इसी मेजरमेंट में दो हमारा ये लाइनिंग का कपड़ा है। हम इसमें जिप लगाएंगे, इस तरह से जिप लेंगे और इस पर स्टिच करेंगे। और ये लाइनिंग वाला कपड़ा लेंगे, इसके ऊपर नीचे हमारा मेन फैब्रिक, ऊपर ये हमारा जिप, और इसके ऊपर ये लाइनिंग का कपड़ा हमारा लगेगा, और स्टिच करके पीछे इसको फोल्ड कर लेंगे। दोनों पर हमारा इसी तरह से जिप लगेगी। इस तरह से इस पर रखकर और ये लाइनिंग वाला कपड़ा जिप के ऊपर लाइनिंग वाला कपड़ा रखेंगे और स्टिच करके इसको पीछे पलट लेंगे। जब हमारा इसमें ये जिप लग जाएगी, ये पीछे साइड इसको करके इधर स्टिच कर लेंगे दोनों पर। अब ये जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा है उसको इस तरह से बराबर करके इधर स्टिच करेंगे, ताकि हमारा लाइनिंग वाला ये कपड़ा इसी में ज्वाइंट हो जाए। दोनों पर हम इस तरह से स्टिच करेंगे, इस कपड़े को इसमें ज्वाइंट कर लेंगे। स्टिच हो जाएगा तो जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर लेंगे, और इसमें कट करने के बाद इसमें हम ये रनर डालेंगे। इसमें ये रनर पड़ जाएंगे, तो ये एक्स्ट्रा जो हमारा जिप है इसको हम कट करेंगे, और इस तरह से स्ट्रेप लेंगे, तो 3 इंच चौड़ी पट्टी लेकर इसको सिलकर इस तरह से स्ट्रेप बनाएंगे। ये 1 इंच चौड़ी है और 3 इंच लंबी है। इस तरह से हमको 2 पीस चाहिए। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको इस जिप के ऊपर स्टिच करेंगे, इधर और इधर जिप के ऊपर स्टिच करेंगे। इस दोनों स्टेप को जिप के ऊपर स्टिच करेंगे। अब ये हमारा स्टेप लग जाएगी, तब हम इसको पीछे साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से यहाँ तक स्टिच करके पट्टी से इसको फिनिश कर लेंगे। हमारा स्टिच हो जाएगा ये, और ये मैं पट्टी लगा कर इसको फिनिश कर रही हूँ। अब हम इसको इस जिप को बीच में, इस सेंटर ये जो दिख रहा है हमारा, इधर इस जिप को यहाँ लाएंगे। ये जो हमारा इधर जोड़ दिख रहा है, और ये इधर इस तरह से इसको बराबर करेंगे, तो भी इधर बराबर करेंगे। बराबर करके हम पिन लगा लेंगे, ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं हिलेंगे। और इधर हम स्टिच कर लेंगे, इधर और इधर स्टिच करने के बाद इस तरह से पट्टी लेंगे 1.5-2 इंच लंबी, सॉरी 1.5-2 इंच चौड़ी, और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे, और पीछे मोड़कर इधर भी स्टिच कर लेंगे दोनों साइड, इधर और इधर। हमारा स्टिच हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो हम अभी इसमें पट्टी नहीं लगाएंगे, पहले हम इसको कट कर लेंगे, यानी इस इन चारों कॉर्नर को कट कर लेंगे, तब इधर हम पट्टी लगाएंगे। तो ये हम 2.5
इंच का हम स्क्वायर शेप में एक कार्डबोर्ड कट कर लेंगे और उसी को हम यहाँ रखेंगे चारों कॉर्नर पर और कटिंग कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करके चारों कॉर्नर पर कटिंग कर लेंगे। ड्रॉ करके कटिंग कर हमारा कटिंग हो जाएगा तब हम इस पर पट्टी लगाएंगे। इस तरह से यहाँ तक स्टिच करेंगे, फिर फोल्ड करके पीछे भी इसको स्टिच कर लेंगे इधर और इधर। जब ये हमारा दोनों में पट्टी लग जाएगी तब हम इन सब चारों कॉर्नर को स्टिच करेंगे। हमारा स्टिच हो जाएगा, पट्टी लग जाएगी तब हम इसको कॉर्नर को इस तरह से पकड़ेंगे और स्टिच करेंगे। चारों कॉर्नर को इसी तरह से पकड़ कर स्टिच कर लेंगे और स्टिच करने के बाद इस पर पट्टी से हम इसको फिनिश कर लेंगे। और ऐसा रफ एजेस फिनिश हो गई है, कहीं से भी धागा नहीं दिख रहा है। अब हम इसको सीधा करेंगे, सब कॉर्नर को अच्छी तरह से बाहर। ये सीधा करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से इसका लुक आया है। देखिए फ्रेंड्स अंदर कितनी जगह है। आप इसमें कॉस्मेटिक सामान या फिर घर में बहुत सारे छोटे मोटे सामान होते हैं, आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये बनाने में बहुत ईजी है और तो देखिए बनने के बाद ये कितना प्यारा ये रेडी हुआ है। ये दो कलर में मैं बनाई हूँ, आप भी इसको दो कलर में बना सकते हो या फिर एक कलर में भी बना सकते हो, लेकिन ये दो कलर में बहुत प्यारा बनकर रेडी हुआ है। कैसी लगी मेरी आज की ये वीडियो? अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।